This Lellan Top video is sponsored by Winzo. Download the app now and win cash daily. घर बैठे बोर हो रहे हो तो अपना एक गेम खेल लीजिए भारत के बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म Winzo ऐप पे। यहाँ पे आप अपना फेवरेट स्पोर्ट खेल सकते हो एंड जीत सकते हो बहुत सारा रियल कैश जो आप अपने बैंक अकाउंट UPI या पेटीएम वॉलेट से विड्रॉ भी कर सकते हो इंस्टेंटली। बिहार में छोटे शहरों और गांवों में टैक्सी सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनी आर्यगो के फाउंडर और सीईओ ने आईफोन को लेकर एक पोस्ट किया जो काफी वायरल हो रहा है। कहते हैं कि हौसला कर लो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं, लेकिन ये हौसला करना ही तो सबसे मुश्किल का काम है। बड़े हौसले की एक ऐसी ही कहानी दिलखुश कुमार की है। दिलखुश बिहार के मधेपुरा में ऑनलाइन टैक्सी उपलब्ध कराने वाली कंपनी आर्यगो के फाउंडर और सीईओ हैं। उन्होंने शनिवार शाम को फेसबुक पर अपनी जिंदगी का एक वाक्य शेयर किया। ये काफी वायरल हो रहा है, आप लोग भी इसे जानिए, फिर उनकी जिंदगी की पूरी कहानी से भी आपको रूबरू कराएंगे। उन्होंने पोस्ट में लिखा, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है साहब। आज मैं अपने ड्रीम फोन आईफोन 11 256 GB का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अमेजोन वाले को इसे आज डिलीवर करना था। जैसे जैसे समय बीत रहा था मिलने की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अंततः आज 4 बजे मिलन हो ही गया। आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व सहरसा में जॉब मेला लगा था। मैं भी बेरोजगार की श्रेणी में खड़ा था। पापा मिनी बस चलाते थे, तनख्वाह लगभग 4500 थी जिससे घर चलाना कठिन हो रहा था। ऐसे में मुझे नौकरी की ज़रूरत महसूस होने लगी। मैंने भी उस मेले में भाग लिया जहां पटना की एक कंपनी ने अपने सारे दस्तावेज जमा किए थे। उसी कंपनी के एक साहब थे, उन्होंने कहा आपका आवेदन पटना भेज रहे हैं, 5 अगस्त को पटना के SP वर्मा रोड में आ जाइएगा, वहाँ इंटरव्यू होगा, वहाँ सफल हो गए तो 2400 रुपये महीने की सैलरी मिलेगी। मैं उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, कई रात ठीक से सो नहीं पाया था, बस उसी नौकरी के बारे में सोचता रहता था। लगभग 1 हफ्ता इंतज़ार के बाद 5 तारीख आ ही गई। सुबह 5 बजे सहरसा से पटना की ट्रेन थी जो 11 बजे तक पटना पहुँचा देती थी। इंटरव्यू का वक्त 3 बजे का था। सुबह जैसे ही उठे मूसलाधार बारिश की आवाज़ सुनाई दी। बाहर निकला तो देखा बहुत तेज बारिश हो रही थी। समझ में नहीं आ रहा था स्टेशन कैसे पहुंचूंगा। हमारे गांव से स्टेशन की दूरी 10 किलोमीटर है। अंत में अपने एक परिचित के सहयोग से प्लास्टिक से पूरे शरीर को ढककर स्टेशन पहुंचा और ट्रेन पकड़कर पटना के लिए निकल पड़ा। मन से ईश्वर को याद करते करते पटना पहुंचा, लेकिन बारिश ने पटना में भी पीछा नहीं छोड़ा। मैं अपने जीवन में पहली बार पटना आया था, जगह का कोई ज्ञान नहीं था। रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही एक महानुभव से जब SP वर्मा रोड का पता पूछा तो वह बोला बस है 5 मिनट का रास्ता। मैंने कुछ देर बारिश बंद होने का इंतजार किया, जब बारिश नहीं रुकी तो भीगते ही SP वर्मा रोड निकल गया। जिस बिल्डिंग में घुसा उसमें मेरे जैसे 10 से 15 लोग पहले से मौजूद थे। सब बारी बारी से अपने इंटरव्यू देकर निकल रहे थे। जब मेरी बारी आई तो मैं भी अंदर गया। सामने 3 पुरुष और 2 महिलाएं बैठी हुई थी। प्रणाम पाती किए तो साहब लोगों को बुझा गया कि लड़का प्योर देहाती है। नाम पता परिचय संपन्न होने के बाद एक साहब अपना फ़ोन उठाए, फ़ोन का लोगो मुझे दिखाते हुए बोले इस कंपनी का नाम बताओ। मैंने वो लोगो उस दिन पहली बार देखा था, मुझे नहीं पता था इसलिए मैंने कह दिया सर मैं नहीं जानता हूँ। तब साहब का जवाब आया ये आईफोन है और ये एप्पल कंपनी का है। मेरी नौकरी तो नहीं लगी, वापस गांव आया और विरासत में मिली ड्राइवरी के गुण को पेशा बनाकर पिताजी के रास्ते पर ही निकल पड़ा। और आज साहब का आईफोन दिखाने का स्टाइल कल तक मेरी आंखों में घूम रहा था। आज आईफोन आ गया, अब शायद आज से साहब याद नहीं आएंगे। दिलखुश कुमार बिहार के छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में वैसी ही सेवा दे रहे हैं जैसे दिल्ली मुंबई में ओला उबर दे रहे हैं। उन्होंने अपनी आर्यगो सर्विस की शुरुआत गांव से करने की ठानी। इसकी शुरुआत उन्होंने 2016 में की। ऐसा नहीं है ये आईफोन वाला किस्सा दिलखुश की जिंदगी का खास किस्सा है, दिलखुश की जिंदगी ऐसे किस्सों से भरी पड़ी है। दिलखुश कुमार ने दी लल्लन टॉप से बातचीत करते हुए बताया, पिताजी ड्राइवर हैं इसलिए ड्राइवरों की जिंदगी को बहुत करीब से देखा है। हमेशा ही मन में था कि ड्राइवरों के लिए कुछ करना है। मैंने पढ़ाई सिर्फ मैट्रिक तक ही की है, ऐसे में ठेकेदारी करने लगा। कुछ पैसा जमा हुआ तो ये बिजनेस खोलने की बात मन में आई। जैसे हर छोटे गाँव शहर में होता है, सबने बहुत टांग खींची, हतोत्साहित भी किया, लेकिन मैं अड़ा रहा। अपना प्लान लेकर गाड़ी के ओनर्स के पास गया तो सभी कहते कि 100-200 रुपए के लिए अपनी लाखों की गाड़ी नहीं देंगे। ऐसे में मैंने अपने पैसे से 2 पुरानी गाड़ियां खरीदकर बिजनेस शुरू किया। लोगों ने जब देखा कि इसमें तो दिन के 1000-1500 रुपए मिल जाते हैं तो उन्होंने अपनी गाड़ियाँ भी जोड़ी। अभी कंपनी से 200 से ज़्यादा गाड़ियाँ जुड़ी हैं।
जब बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने की बात आई तो एक बेहतरीन आईटी वाला इंसान चाहिए था। ऐसे में मैं अपने दोस्त अवधेश के पीछे पड़ गया। वह HCL में अच्छी भरी नौकरी कर रहा था। उसे भी डर था कि अच्छी नौकरी छोड़ गांव जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। कई महीनों तक उसे समझाया, तब अवधेश राजी हुआ। वहीं पूरा आईटी सेक्शन संभालता है। मार्केटिंग के लिए अपने बचपन के दोस्त चेतन के पीछे 3 साल पड़ा रहा, तब जाकर उसने क्विकर कंपनी को छोड़कर मुझे ज्वाइन किया। अब बेहतरीन टीम बन चुके हैं। मधेपुरा, सहरसा, सुपौल सहित हम लोग 7 शहरों में पहुंच चुके हैं। अब 2023 तक बिहार के हर गांव को शहर से कनेक्ट करने का इरादा है। अपने नाम की ही तरह दिलखुश कुमार ने आखिर में कहा कि अगर सरकार थोड़ा सहारा दे दे तो ऐसी बहुत सी कंपनियां देश और छोटे शहरों की काया पलट सकती हैं। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी अमित ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।